नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली पेंटिंग, जो कि है रागिनी प्रथम सिका, जो कि ली गई है डेकानी स्कूल ऑफ पेंटिंग से। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंटिंग का नाम रागिनी प्रथम सिका। जो पेंटर थे अननोन थे, यानी कि पता नहीं किसने बनाया था, ऐसा कुछ खबर फिलहाल नहीं है। कहा जाता है एनिनेमस पेंटर इन्होंने बनाए थे, यानी कि कई सारे पेंटर्स ने मिलकर बनाए थे, एग्जैक्ट किसी का नाम नहीं पता। ठीक है, जो मीडियम है दैट इज वाटर कलर ऑन पेपर। सिरका यानी कि कब बनाया गया, 1590 से 95 की दसी में, यानी कि AD में। सब स्कूल कौन सा था, अहमदनगर। ओके, टेक्निक टेम्परा, फिर कलेक्शन नेशनल म्यूजियम दिल्ली। फिर से आ गया, चलिए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है। द पोर्ट्रेट ऑफ रागिनी प्रथम सिका ऑफ रायगा हिंदोल वाज पेंटेड बाय एन एनमनस पेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1590 से 95 AD। कहा जा रहा है कि 1590 से 95 के दशक में रागिनी प्रथम सिका नाम की पेंटिंग रागा हिंदोल में, ठीक है, बनाया गया एनोनिमस पेंटर के द्वारा। एग्जैक्ट पेंटर का नाम हमें नहीं पता, जो कि है कहाँ पे, इन बीजापुर अहमदनगर स्टाइल विथ बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, यानी कि इसमें कहाँ पे बनाएगा, बीजापुर के अहमदनगर स्टाइल में। ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन था कलर का रेड ब्लू ग्रीन येल्लो, जो कि गोल्डन कलर है बेसिकली, ब्लैक एंड वाइट कलर्स। ठीक है, कह रहा है बेस्ड ऑन इंटोनेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक रागिनी प्रथम सिका ऑफ राग हिंदोल वाज बीन सोन सिटिंग ऑन अ सीट इन द मिडिल ऑफ अ पवेलियन। कह रहे कि जो बेसिकली रागिनी है, ठीक है, उसको दिखाया गया हिंदू धर्म प्रथा के अनुसार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए हुए इस पेंटिंग के बिल्कुल बीचों बीच में बैठी हुई है। यह देखिए इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठी हुई है। ठीक है, सी वियरिंग फुली डेकोरेटेड ब्लू एंड ट्रांसपेरेंट व्हाइट क्लॉथ। इसके बाद इन्होंने देखें कि ये जो व्हाइट क्लॉथ पहनी हुई बिल्कुल ही ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि पूरी तरह से क्या है, ट्रांसपेरेंट है। चलें आगे, ओके, इन सेल्फ इंटरप्रेटेड काउंटेनेंस टू फीमेल अटेंडेंस इन डांसिंग पोज हैव बीन शोन। कह रहे कि दो फीमेल यहाँ पे दिखाई गई है जो कि डांसिंग पोज में है। ओके, वन ऑन राइट साइड एंड द अदर ऑन लेफ्ट साइड। देखें है बिल्कुल आपके राइट और ये लेफ्ट में। चलें आगे, उसके बाद कह रहा है कि देयर कॉस्ट्यूम्स एंड फॉर्म अडॉर्निंग द प्रेफरेबल। इनकी जो कह रहे कि कॉस्ट्यूम और जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रेफरेबल है। और ट्वाई एलिफेंट एंड अ गोल्डन कलर वाटर पोट हैव बीन शोन इन फ्रंट पार्ट ऑफ द पेंटिंग। इस पेंटिंग के फ्रंट पार्ट में क्या है, एक वाटर पोट है और एलिफेंट को के बच्चा जो होता छोटा सा, वो भी दिखाया गया है। इन कह रहा है उसके बाद, इन फ्रंट पार्ट ऑफ द पेविलियन ब्यूटीफुल मल्टी कलर ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड अ वर्मिलियन कलर्ड डोम हैव बीन सीन। कह रहा है कि इस पेंटिंग के जो देखें तो और भी कई सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स भी दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे चलें, इन हिंड पार्ट ऑफ द पवेलियन टू ब्यूटीफुल गोल्डन डोम्स एंडेड बिटवीन देम इन ब्लू डोम। कह रहा है कि इसके बीच में जब बिल्कुल हिंड पार्ट, यानी कि जो सबसे अपर मिडिल पार्ट देखें, तो यहाँ पे दो गोल्डन पोट है, उनके बीच में एक ब्लू पोट भी दिखाया गया है। एंड टू ब्लैक कलर्ड डोम्स आर ऑल्सो सोन, और दो ब्लैक डोम्स भी सोन किया गया है, यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ओवरऑल ये पेंटिंग है आपकी रागिनी प्रथम सिका के ऊपर कैसे बैठे हुई है, तो बिल्कुल मिडिल में, जिनका जो आपका बेसिकली कपड़े का कॉम्बिनेशन देखें तो ब्लू और वाइट, ठीक है, उनके राइट और लेफ्ट साइड में दो लड़कियां खड़ी हैं जो कि डांसिंग करते हुए दिखाई गई हैं। उनके आगे गोल्डन पॉट है, वाटर पॉट, छोटे हाथी का बच्चा दिखाया गया है। ऊपर हिंड पार्ट में देखे तो क्या था, एक रेड कलर की यहाँ पे क्या दिखाई गई, जो मेट्रिकल शेप दिखाई गई है, उसके ऊपर दो गोल्डन कलर की शेप, उसके बीच में ब्लू एंड दो साइड से ब्लैक। ओके, और ओवरऑल इस पेंटिंग का जो देखा तो लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है, जो कि बनाया गया था रागिनी प्रथम सिका के ऊपर अहमदनगर में। टेक्निक था टेम्परा। ओवरऑल ये था पेंटिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पेंटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।